तो देखिए शाम के 5 बज चुके हैं, 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये जो संसद पीछे आप देख रहे हैं, ये संसद किसानों की संसद, संसद के ठीक पास ये किसानों की संसद चल रही है। 5 बज चुके हैं। आपको बता दें इस संसद में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर तक नियुक्त किए गए हैं, अध्यक्ष बनाया गया है और किसानों के मुद्दे पर जो है हर एक को बोलने का समय दिया गया। अब फिलहाल 5 बज चुके हैं क्योंकि यहाँ से संसद जो है बहुत पास है, तो एक मैसेज देने की कोशिश की, एक पैरेलल संसद यहाँ पर बिठाई गई है कि वहाँ पर अपनी बात जो है माननीय सांसद रखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी जो किसान हैं वो अपनी बात रखेंगे। लेकिन आने वाले 19 दिन इस बात को समझिएगा, ताल ठोक के आज यहाँ से करने का मकसद सिर्फ इतना है कि समझना कि इसका समाधान कब निकलेगा। मतलब क्या किसान संसद से समाधान निकलेगा, बातचीत बनेगी या बात बनेगी या और बिगड़ेगी। और 19 दिन, देखिए 19 दिन। अच्छा बलजीत सिंह जो हैं वो मुझे नजर आ रहे, एक बार उनसे हल्की सी बात करने की कोशिश करते हैं, जो आंदोलन का एक बड़ा चेहरा है वो मेरे साथ हैं, बलबीर सिंह राजेवाल जी। अच्छा हैं जी, मैं बहुत जी अच्छा चलिए ठीक है, सुबह से बात कर रहे हैं, राजेवाल जी हैं, बलबीर सिंह राजेवाल जी हैं, जो बता रहे हैं कि आने वाले 19 दिन किस तरह से रहेगा। आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, आप देख रहे हैं, युद्धवीर जी मेरे को नजर आ रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन से युद्धवीर जी बैठे हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि ये बात करने के लिए नहीं मना करेंगे। युद्धवीर जी, पहला दिन, 19 दिन और लड़ाई बड़ी है और कड़ी है। किसान है भाई, हमारी तो पैदा होते हैं उस दिन लड़ने लगते हैं और मरते तक लड़ते ही रहते हैं, 19 दिन की तो गिनती नहीं हमारे यहाँ कोई। आपको लग रहा है कि यहाँ संसद पास है तो उनके कानों तक आवाज आसानी से पहुँचेगी? कोशिश वही है, उसी काम के लिए आए हैं यहाँ, वही हमारा प्रयास था कि देश की संसद को ये बताएं कि संसद इस तरह से चलती है, ये कानून है और ये इनमें खामियां हैं। वो उनको बहुत शौक है, वो हमसे बार बार पूछते हैं काला क्या है, तो देख लें आगे हम बता, हमारे आम किसान नेता बता रहा है कि इसमें काला क्या। तो आप अपनी संसद से कानून जो है रद्द करवा दिए, किसानों की संसद से कानून रद्द करवा दिए? बिल्कुल बिल्कुल, हमने रिजेक्ट कर दिए, वो संसद क्या करेगी वो उसका काम। आपकी संसद ने कानून रिजेक्ट कर दिए? रिजेक्ट कर दिए, हमारा निष्कर्ष निकलेगा आखिरी दिन में, लेकिन जितने भी और हमारे वक्ता हैं वो उसमें विस्तार से बता रहे हैं कि इसमें काला क्या। लेकिन युद्धवीर जी, आज भी नरेंद्र सिंह तोमर का बयान आया, वो बस उनका सरकार का ये कहना है कि आप बातचीत करिए। वो बेचारे कुछ नहीं, वो एक टेप रिकॉर्डर की तरह से जितना चाबी भरते हैं उसमें, वो वहाँ पे उनके बड़े जो उनके आका हैं उतना वो बच जाते हैं, एक ग्रामोफोन की तरह से बोलते हैं, उनका अपना कोई वो नहीं है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार चाहती नहीं हल निकले? सरकार बिल्कुल नहीं चाहती, सरकार प्रधानमंत्री ने इसको एंकर से जोड़ लिया और एंकर जो है किसी भी व्यक्ति को लेके डूबता है, इस सरकार को लेके डूबेगा, इस व्यक्ति को लेके डूबेगा। अहंकार की जीत नहीं हुई है इतिहास में कभी, अहंकार टूटा है हमेशा। 8 महीने से आप लोग बैठे हैं, ये अहंकार नहीं है? ये अहंकार नहीं है, ये तपस्या है। रोड पे बैठो एक दिन, अहंकारी आदमी बैठ सकता है क्या डामर के रोड पे? हमने 1 डिग्री देखा है, हमने 46 डिग्री देखा है टेम्परेचर, दोनों हमने देखे हैं। हम 5-5 दिन सर पे गद्दे उठा के सारी सारी रात खड़े रहे हैं, हमारे 5 साल के बच्चे और 97 साल के बुजुर्ग, रात को क्योंकि बारिश आ गई, अगर गद्दे को नहीं उठाएं तो गद्दा भीग जाए, सोएंगे किस पे? गद्दा सर पे और हम खड़े हैं सारी रात। नहीं युद्धवीर जी, देखिए कोई भी नहीं चाहता किसान भाई इसे सड़कों पर रहे, हल का कोई रास्ता आपको सुझा सकते हैं आप, कोई एक रास्ता? क्या मिल रहा है हमको वहाँ सो के, क्या मिल रहा है हमको वहाँ सो के? सो के देखे कोई एक दिन गुजारे ना कोई? ये जिनको लग रहा है कि किसान वहाँ इंजॉय कर रहे हैं, उस इंजॉय का मजा मैं उनको फैसिलिटेट करूंगा, जिसको शौक हो मैं उनको जगह दूंगा, वो आके एक दिन सो के दिखाए वहाँ। मतलब एक लाइन में अगर मैं इसको कहूँ, आज भी वही स्टैंड है, कानून वापसी नहीं तो आंदोलन वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, चलता रहेगा, चलता रहेगा जब तक कानून वापस नहीं होंगे, तब तक कानून वापस नहीं होंगे, ये चलता रहेगा। गौरव भाटिया बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता है। भाटिया जी सुन लिया आपने, अब फिर बीच का रास्ता क्या निकलेगा? आंदोलन चलता रहेगा, कानून वापस, या तभी होगा आंदोलन वापस? गौरव भाटिया। अमन जी, सबसे पहले तो देखिए मैं आपके माध्यम से एक गुजारिश करूंगा, ठीक है ये लोग अपने आप को किसान बता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोविड का संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, इनसे कृपया करके विनती करिए कि अपने चेहरे पे पहले मास्क तो लगा लें, प्रदर्शन तो तभी कम कर पाएंगे जब स्वस्थ रहेंगे, और दिल्ली के निवासियों की जान को खतरे में क्यों डालते हैं, पहली बात। दूसरी बात,
देखिए सड़क की दूरी तो कम हो गई ना, ये सकारात्मक अगर आप कहें तो बिल्कुल बिल्कुल पहुंचाइए। कहिएगा एक भाई ने दूसरे भाई से ये बात कही। अच्छा युद्धवीर जी, अभी वो लाइव डिबेट में गौरव भाटिया है, वो बस एक आपसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, वो कह रहे मास्क लगा लीजिए। देखिए मास्क कोरोना ने हमको छूट दे रखी है, कोरोना की और हमारी है बातचीत चल रही है तो कोरोना की टेंशन ना लें या सबकी, और हमको तो वैसे ही सरकार मारने पे लगी हुई है, कोरोना मारे सरकार मारे बराबर है, या सबकी सबको इम्यूनिटी है, सबकी कोई नहीं मास्क लगाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। युद्धवीर जी सुन लिया जी, गौरव भाटिया जी सुन लिया आपने, इम्यूनिटी मिली हुई है। देखिए ऐसा है कि वायरस से तो सबको खतरा होता है, केवल वायरस को ही वायरस से खतरा नहीं है। तो आपने मेरी बात अमन जी वहां तक पहुंचाई, मैं धन्यवाद देता हूं आपका। और आप दो तीन बिंदुओं पे बात करते हैं, देखिए किस तरह से लोकतंत्र मजबूत रहता है हमारे यहाँ। हमारा विरोध कर रहे हैं लेकिन उनको अनुमति दी गई कि आप कम संख्या में आके प्रदर्शन करिए, और संसद के ये पास आ गए, वो दूरी तो अब कम हो गई है, दिलों की दूरी भी कम होगी ये हमें उम्मीद है। तीसरी बात, आज जो कृषि मंत्री जी ने कहा कि बातचीत करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन कोई शर्त नहीं हो सकती अमन जी, ये कहना कि तीनों कानून वापस हो तभी बातचीत हो, तो ये भी कहा जा सकता है कि चलिए आप तीनों कानूनों को मानिए उसके बाद आइए बातचीत करने। ये जो एक तरीका है इनका, ये खुद में सही नहीं है, खासकर तब जब सर्वोच्च न्यायालय ने तीनों कानूनों पे रोक लगाई हुई है, तो इस प्रदर्शन का तो औचित्य ही नहीं बनता है। और एक बात मैं और कह दूं, राकेश टिकैत जी हो चाहे योगेंद्र यादव हो, ये लोग संसद के लिए चुनाव लड़े थे, दोनों की जमानत जब्त हो गई थी, तो हो सकता है कई बार मन में एक सपना होता है, उस सपने को पूरे करने के लिए संसद के अंदर तो नहीं जा पाए, उससे थोड़ी दूरी पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर इनसे पूछेंगे कि काला क्या है तो ये नहीं बताएंगे, काली इनकी नियत है। जो कहते थे कि राजनीतिक नहीं है ये प्रदर्शन, आज पूरी तरह से ये राजनीतिक हो गया है, और पीछे से आप देखिए किस तरह से राजनीतिक दल सामने आने की हिम्मत तो नहीं रखते, पीछे से समर्थन कर रहे हैं। मनजिंदर सिंह सेसा जी, सवाल ये नहीं है कि ये आंदोलन क्यों या क्या या किस लिए, किसानों को भी कोई शौक नहीं है सड़कों पर आकर बैठने का, सवाल ये कि समाधान कब निकलेगा, क्योंकि ये तो आंदोलन चलता रहेगा 19 दिन 200 सांसद रोज आकर बैठेंगे, ये सब कब तक चलेगा? सिरसा जी अमन जी, संसद इसका समाधान तभी निकलेगा जब एक मन में बात आ जाएगी, जो अहंकार है जब वो अहंकार से नीचे उतर आएंगे। अभी मैं दो बातें नोटिस की, मुझे बहुत दुख हुआ अफसोस हुआ, अमन भाटिया जी ने कहा वायरस को वायरस मिल गया, अब इनको किसान वायरस दिखने लगा, अन्नदाता आज इनको वायरस दिख रहा है, और मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस बात का। मैं माफी चाहता हूँ जी, मैंने गौरव ही कहा था, अच्छा मैं अगर कुछ गलत कह गया तो मैं माफी चाहता हूँ, मेरे मुंह से गलती अगर निकल गया तो मैं माफी चाहता हूँ। तो सॉरी, गौरव जी ने जो कहा वायरस को वायरस, मैं भी ये कह रहा, ये जानने के लिए पूछ रहा था, बताइए आप किसान को वायरस बता रहे हैं। फिर दूसरी बात उन्होंने कहा कि जी देखिए इनको चुनाव में वोट नहीं मिली, अपना शौक पूरा कर रहे हैं, बाहर बैठ के संसद के शौक पूरा कर लेते हैं। गौरव जी, ये कोई बात कहने में कोई बहुत मुश्किल नहीं होती, कोई भी बोल सकता है, लेकिन हमें हर चीज की एक सेंसिटिविटी जरूर देखनी चाहिए, किसान किन हालातों में बैठा है। और आज भी हम उनका मजाक भाटिया जी, आप अपनी बात बोली, मैंने आपकी बात रोकी ना, फिर मेरे से सवाल पूछेगा, मैं जवाब दूंगा, पहले मेरे सुन लीजिए सवाल, और ये मत कहिए कि सरकार की तरफ से अगर आप बैठते हैं सवाल पूछने का अधिकार खाली आप ही को रह गया है, ये आप बदलिए थोड़ा, हमें सवाल पूछे, गुस्सा नहीं हुई, आप भी सवाल पूछिएगा, आप पूछेंगे, दोनों पूछेंगे भाटिया जी, दोनों भाई भाई हैं, वीर हैं। मैं चाहता हूँ आज नहीं, वो देखिए ये सिर्फ मुद्दों की लड़ाई है, कोई निजी लड़ाई नहीं है, मुद्दों की लड़ाई है, और मुद्दों की लड़ाई होनी भी चाहिए, अगर मुद्दे ही नहीं होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। दूसरी बात, सबसे बड़ी अहम बात ये है, आपने कहा क्या सर्वोच्च न्यायालय ने जब इसके ऊपर स्टे कर दिया तो इसका औचित्य ही खत्म हो चुका है, तो मैं भी बार बार टीवी चैनलों पर यही पूछना चाहता हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा इस बात को, जब सर्वोच्च न्यायालय ने इसके ऊपर स्टे ही लगा दिया तो फिर काहे का अहंकार है, इसको रद्द कर दीजिए ना, जब ये किसी के काम ही नहीं आ रहे। आप बताइए
जब किसी के अमन जी कोई चीज काम आ ही नहीं सकती, हमने एक चीज खरीद के खड़ी की, वो किसी के काम नहीं आ सकती, पड़ोसी कहता है भैया जब ये काम नहीं आ सकती इसको यहाँ से हटा लो यार, जब ये काम ही नहीं आ रही, जब काले कानून आपके किसी के काम आ ही नहीं रहे, सर्वोच्च न्यायालय ने उसके ऊपर स्टे ही लगा दिया, तो इसको रद्द कर दीजिए, काम खत्म कीजिए। और किसान को आप, ये कोरोना से भी पीड़ित हो रहा है, बरसात से भी पीड़ित हो रहा है, सर्दी से भी पीड़ित हो रहा है, और फिर हम कहते हैं इनको शौक शौक नहीं, जिस जो चीज लागू ही नहीं है उसके लिए क्या फिर? अब आप ये आप उल्टा करके आप अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं ना सिरसा जी, जो चीज लागू ही नहीं है जिस पर पहले से, तो मैं भी ये सवाल पूछ रहा हूँ ना, तो ये जवाब ये क्यों नहीं देते? मैं उत्तर देता हूँ, स्टे तो टेम्पररी 1.5 साल का है ना, हम भी तो यही कह रहे हैं 1.5 साल का स्टे है ना, क्या 1.5 साल बाद दोबारा करेंगे प्रदर्शन आंदोलन दोबारा करेंगे? आप ये भी समझा दीजिए ना हमें, अमन जी गौरव जी के माध्यम से ये बात समझा दीजिए कि 1.5 साल, 1 साल तो निकल गया लड़ते लड़ते, अब क्या ये 6 महीने बाद दोबारा से संघर्ष करने के लिए सड़कों पर उतरेंगे? सरकार क्या ये चाहती है? अब मनिंदर जी आपसे एक बात पूछूंगा, पहले आपकी बात का उत्तर भी दे दो। हो सकता है कि आपकी सोच ऐसी हो, आपको लगता हो कि हमारे किसान भाई हैं वो वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, वो मास्क ना पहने बीमार पड़ जाए और कुछ लोगों को गंभीर रूप से कोई बीमारी हो जाए, दिल्ली के जो हमारे भाई बहन हैं उनको भी बीमारी फैले, ये आपकी सोच हो सकती है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। और मेरा वक्तव्य सुनिएगा, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं लेकिन एक भाई दूसरे भाई को ये विनती कर रहा है कि मास्क पहने, ये अमन जी खुद पुष्टि कर देंगे। लेकिन आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा, 6 जून 2020 जब ऑर्डिनेंस आया, अध्यादेश आया, तो प्रकाश सिंह बादल जी से ज्यादा तो वरिष्ठ नेता आपकी पार्टी का कोई है नहीं, उन्होंने कहा ये तीनों कानून जो है किसानों के हित में है। हरसिमरत कौर बादल जी ने भी इसका समर्थन किया, मैं कहिए तो वीडियो चला दूंगा। ये दिव्य ज्ञान आपको आया क्यों? कोई दबाव पड़ा आप पे या आपको प्रलोभन दिया गया कि आप अब इसका विरोध करिए? और तीसरी बात, आपको मालूम है जब मुख्यमंत्री आप ही की पार्टी का था तो एक कानून आया पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, उसमें आज भी प्रावधान है सिरसा जी जो कहता है किसानों ने अगर अनुबंध तोड़ा तो उनको जेल भेज देंगे। ना कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने के बाद किसानों की सुध ली पंजाब की, ना आपने सुध ली, तो ये कैसा आपका दोहरा प्यार है जो कभी कभी आता है कभी कभी चला जाता है? क्या ये चांदनी रात है, कभी पूर्णमासी की कभी अमावस्या की, ये समझ में नहीं आया। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, MSP 8 साल लागू होना था, 1.5 गुना नहीं हुआ कांग्रेस सरकार में, मोदी जी ने किया। 2013-14 में बजट अमन जी ध्यान दीजिएगा 22,000 करोड़ था कृषि का, ये बढ़ के 1,23,000 करोड़, 5.5 गुना कर दिया मोदी जी ने। फूड ग्रेन का उत्पादन और खरीद MSP पे इस बार रिकॉर्ड हुई है, किसानों के साथ हम लोग खड़े हैं, आप नहीं खड़े हैं। और देश का ये जो 13-14-15 करोड़ किसान परिवार है ये मोदी जी को मानते हैं क्योंकि वो जानते हैं ऐतिहासिक बदलाव कोई ला पाया वो मोदी जी है, और बिचौलियों के साथ कोई खड़ा रहा, कमीशन खोरी कोई करता रहा, क्यों नहीं भरोसा तो वो कांग्रेस और अकाली। गौरव गौरव गौरव, लेकिन ये तो सवाल है ना, ये ट्रस्ट डेफिसिट तो है, देखिए ये ट्रस्ट डेफिसिट बहुत गजब का है, भरोसा ही नहीं हो पा रहा सरकार, प्रधानमंत्री, पूरी सरकार, भरोसा क्यों नहीं हो पा? हाँ बोलिए आप सिरसा जी, आप जवाब दे दीजिए। हाँ मैं एक मिनट सिरसा जी जवाब दे दें फिर मुझे आगे बढ़ना होगा, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट तो है, किसान भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा सरकार? सिरसा जी आप बोलिए। भाटिया जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें दिव्य ज्ञान कब हुआ, हमें दिव्य ज्ञान तब हुआ जब हमने स्वर्गीय अरुण जेटली जी की राज्यसभा की वीडियो देखी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की लोकसभा की वीडियो देखी, तो दिव्य ज्ञान होना शुरू हुआ। और मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ भाटिया जी, अगर ये दिव्य ज्ञान हमें हो गया है तो भाई आपको भी हो जाना चाहिए, क्या बुरा है? ले लीजिए आप ही दर्द समझ लीजिए। पंजाब मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ आपको, आपने पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, हमारी पार्टी को दिव्य ज्ञान कब हुआ, मैं उसी का जवाब ही दे रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ अगर हमें हो गया ना, अब आप मानते ना हमें हो गया, तो आप हमारा सहयोग दीजिए ना, हम आपके सहयोगी हैं, हम आपसे विनती करते हैं आप हमारा ये सहयोग दीजिए। नहीं, अब आपको प्रलोभन लगने लग पड़ा, जब मंत्री थे प्रलोभन तो आप दे सकते थे, मंत्री बनाने का प्रलोभन किसान तो मैं नहीं दे सकता। दूसरी बात भाटिया जी, दूसरी बात मेरा सवाल भी सुन लीजिएगा, अच्छी बात है जवाब सिरसा जी, कानून वापसी से कम में कुछ भी स्वीकार नहीं, ये मांग जायज आपके हिसाब से? ईमानदारी से बताएगा, कानून वापसी से कुछ भी नहीं, मैं बताता हूं, नहीं इसका सलूशन निकल सकता था, ये मांग जायज है, इसका सलूशन निकल सकता था। लोग तो ये कहते हैं ना कि भाई देश के लोगों ने सांसदों को चुनकर भेजा, संसद उन्होंने कानून बनाया, बोलिए आप, बोलिए सिरसा जी। देखिए इसका इसका भी जवाब है,
देखिए मान लीजिए आज सांसद अब सेशन चल रहा है और मान लीजिए आज की सरकार ये एमएसपी का कानून ले आती है, तो कम से कम एमएसपी का कानून आने से सरकार किसान को ये कहने वाली तो हो जाएगी ना कि देखिए हमने तो लोकसभा के अंदर राज्यसभा के अंदर एमएसपी का कानून पास कर दिया। अगर किसान के मन में बेईमानी नहीं है तो एमएसपी का कानून क्यों नहीं है, ये हमें समझा तो दिया जाए। दूसरी बात, आपने बिचौलियों की बात की, अरे भाई रिलायंस 30 रुपए का पेट्रोल खरीद के 100 रुपए का बेचे तो आपको बिचौलिए पसंद है, वो बिचौली आपको डीजल मारा जो 50 रुपए का खरीद के 100 का बेचे वो भी आपको बिचौली पसंद है। तो भैया जब किसान जिसको अपनी जमीन अपनी फसल बेचना चाहता है आप उसको इजाजत क्यों नहीं देना चाहते, उसकी मर्जी है वो अपनी किसी को भी दे, तो बिचौलियों के पक्ष में तो कोई भी नहीं है ना, आप भी नहीं होंगे सिरसा जी, बिचौलियों के पक्ष हमने कब कहा, बिचौलियों से तो किसान ही परेशान है मेरे ख्याल से। ब्रिजेश भाटी है तो किसान नेता है, ब्रिजेश भाटी जी ब्रिजेश भाटी है किसान नेता और किशनवीर चौधरी ये दो मेरे साथ मेहमान और है, मैं एक एक कमेंट दोनों का ले लेता हूँ। आ रहा हूँ सिरसा जी एक मिनट आ रहा हूँ मैं। मेरे साथ ब्रिजेश भाटी हैं किसान नेता और किशनवीर चौधरी वो भी किसान नेता हैं। ब्रिजेश भाटी जी, आपको लगता है कि ये किसान संसद मतलब एक संसद के पैरेलल संसद बिठाने से समाधान निकलेगा? ब्रिजेश भाटी जी क्यों नहीं निकलेगा, अमन जी क्यों नहीं निकलेगा, जब ये सांसद जो हमने चुने हैं ये संसद में जाके कुछ नहीं कर रहे और जिसने चुने हैं तो वो क्यों नहीं संसद चला सकते। हमारी जो 40 जत्थेबंदी है उनके जितने भी हमारी हर उसमें से 5 आदमी गए हैं और आप देख रहे हैं सुबह से कितनी व्यवस्थित तरीके से बढ़िया तरीके से चल रही है, और जब तक ये मानसून सत्र चलेगा जब तक रोज ऐसी हमारी जत्थेबंदियां जाएंगी और मानसून सत्र तक पूरी तरह सांसद चलाएंगी। और रही बात ये कि अब की बार इनका पता लग जाएगा, ये विपक्ष के सांसद बैठ पाएंगे ना, कहते हैं कि हम किसानों के साथ है, निशांत रहेंगे। बताओ कब हमने उपद्रव किया है, अमन जी बताओ किसान ने कब उपद्रव किया है? किसान तो ऐसा है, आपने 800 लोगों की शहादत करा के शांत बैठा है, इस देश के अंदर कोई है ऐसा व्यक्ति जिसके 800 लोग मर गए हो और जब भी चुप बैठा हो? बताइए, 8 महीने से ज्यादा आंदोलन हो गए। मैं बस इस असल में अनुभव बहुत खराब रहा है तो उसी से सवाल था कि मतलब मुश्किल तो नहीं होगा ना 19 दिन शांति से आंदोलन करना, मैं इस लिहाज से पूछ रहा था। बहरहाल किशनवीर चौधरी, आपके हिसाब से किशनवीर चौधरी ये पीछे 19 दिन 200 सांसद दिल्ली आएंगे और संसद के पास बैठेंगे, आपको लगता है कि हल निकलेगा? जी जी अच्छी बात है, मैं तो स्वागत कर रहा हूँ किशनवीर चौधरी। जसकरण जी भी हैं पंजाब कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ हैं, लेकिन पहले किशनवीर चौधरी। अमन सबसे बड़ी बात ये है के संसद जो है लोकतंत्र में चुने हुए नुमाइंदों की होती है, हम लोग सब लोग जो किसान राजनीति और किसानों के बीच में काम करते हैं, हम चौपाल करते हैं, हम पंचायत कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट जो है वो सिर्फ इलेक्टेड लोगों की है, ये संविधान कहता है जैसा कि हमने जानकारी देखी है। जहाँ तक सवाल ये है कि मांग का, मेरा ये कहना है कि जब आप मांग के लिए बैठकर बातचीत करोगे तभी समाधान निकलेगा। आपकी जिद क्या है ये मेरे भी समझ में, बहुत लोगों से हम लोग बात करते हैं, ये क्या है भैया, संसद ने पास किया है, कोई सड़क पे कानून नहीं बनाया किसी आदमी ने, ये जो सांसदों ने बात की है, पक्ष और विपक्ष दोनों ने बात की है, कल तक वो सत्ता में थे आज वो विपक्ष में है, लोकतंत्र में सबकी जिम्मेदारी होती है, कल वो कुछ और बात करते थे आज वो कुछ और बात कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जब हम ये चाहते हैं किसानों की समस्याओं का समाधान हो तो हमें बात करने में हिचकिचाहट नहीं रखनी चाहिए। हमने किसी के साथ MOU तो नहीं करा ना, विरोधी दलों के साथ MOU तो नहीं है, ममता के साथ, कांग्रेस के साथ, अखिलेश के साथ, लोकदल के साथ, अकाली के साथ, सिरसा जी बैठे हैं, मैं सिरसा जी से भी एक बात कहता हूँ, सिरसा जी अकाली दल कल भी था आज भी है कल भी रहेगा। मेरा ये कहना है कि ये जिद किस बात की हम लोगों की है कि हम बात ही नहीं करें, इसका मतलब हमारा उद्देश्य जो है समाधान करने का अगर हो, सुप्रीम कोर्ट में मामला है फिर हम बात क्यों नहीं करना चाहते, आखिर हम हमारे ऊपर किसका दबाव है, कोई इंटरनेशनल दबाव हमारे ऊपर आ गया कि हम बात करेंगे ही नहीं सरकार से, क्यों नहीं करेंगे, सारे देश की सरकार है, किसानों की सरकार है, किसानों का फर्ज है, सरकार का फर्ज नहीं बनता किसान भी बात करे और सरकार भी बात करे, समाधान निकाला जाता है बैठ के बात करने से। कानून तो हम और आप कब बना सकते हैं कि हम नहीं बना सकते, चुनावों तक तो चलेगा, कानून संसद बनाएगा, चुनावों तक तो चलेगा, कोर्ट उसको रिव्यू कर रहा है, तो मेरा ये कहना है
कि इस तरीके से कोई समाधान नहीं निकलता, समाधान बातचीत से निकलेगा, आप बात करेंगे तभी समाधान होगा, चाहे वो MSP का हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हो। अब आप एक बात बताइए सिरसा जी, मंडियों को मजबूत करने के लिए 1,00,000 करोड़ का प्रावधान किया गया, तो वो बात कहाँ चली गई साहब, मंडी खत्म हो जाएंगी। ये कई चीज़ें, MSP पे ज़्यादा खरीद की गई है, कैसे हम कह सकते हैं MSP खत्म कर दी जाएगी। तो ये विरोध के लिए विरोध हमें नहीं करना चाहिए, राजनीतिक दल करें वो उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन किसानों के लिए सरकार से एक बार नहीं 10 बार बात करनी चाहिए। मैंने अभी कृषि मंत्री से टाइम लिया और मैंने कहा कि गन्ना किसानों का भाव बढ़ाइए, किसानों को गन्ने का दाम मिलना चाहिए। तो आखिर क्यों नहीं कहें हम अपनी बात, हमारे किसने हाथ रोक रखे हैं। मेरा ये निवेदन है कि बात करनी चाहिए। बहुत लोग इस देश में ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि भाई हमें खुला बाजार मिले। चौधरी महेंद्र सिंह टिके बताइए, पूरे जीवन भर कितनी बार हमारे साथ गए बाजार खुलने के बाद। पंजाब में आपकी सरकार ने, अच्छा वैसे मैं आपको बता दूं, देखिए 5 बजते ही देखिए बसों में, एक मिनट में आ रहा हूँ, ये तस्वीरें लाइव दिखा दीजिए क्योंकि 5 बज चुके हैं। उसके बाद देखिए बसों में जो किसान भाई हैं वो इस वक्त बैठकर अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं। एक ये बस तैयार हो चुकी है और देखिए दूसरी तरफ वो बस निकल गई है। जो 11 से 5 का समय था उसका पूरा सम्मान करते हुए देखिए एक बस निकल गई है, दूसरी बस यहाँ से जाती हुई। अब 19 दिन, आने वाले 19 दिन रोज 11 से 5 बजे तक 200 जो किसान भाई हैं वो यहाँ पर आएंगे संसद के पास, यहाँ पर संसद बैठेगी। और युद्धवीर जी बता ही रहे हैं भारतीय किसान यूनियन से कि किसानों की संसद ने तो बिलों को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। अब बारी उन सांसदों की है जो इनके पक्ष में है, मतलब एक तरीके से अब गठबंधन जो है किसानों और विपक्ष के बीच हो चुका है इन 3 कथित काले कानूनों को लेकर। जसकरण जी हैं, जसकरण जी पंजाब कांग्रेस से हैं, जसकरण जी आप तो चाहेंगे कि कम से कम पंजाब चुनावों तक ये चलता रहे, थोड़ा फायदा मिल जाएगा। वैसी बड़ी इन फाइटिंग चल रही है सिद्धू वर्सेस कैप्टन, तो उसका अगर नुकसान की भरपाई करनी है तो कम से कम ये आंदोलन पंजाब चुनावों तक चलता रहे, है ना जसकरण जी। देखिए अमन, ये जो आपने अभी बात कही कि पंजाब कांग्रेस चाहेगी कि ये आंदोलन चलता रहे, ये बिल्कुल मैं इसको सरासर नकारता हूँ। इस बात देखिए, ये पंजाब सिर्फ पंजाब का किसान नहीं है, ये पूरे देश का किसान है जो इस आंदोलन में बैठा है, और हम अपने लोगों को कदापि भी परेशान नहीं करेंगे। अभी मैं बात शुरू करूंगा क्योंकि आपने मेरे को बहुत लेट समय दिया, और तो मैं अनुरोध करूंगा कि मेरे को आप अपील करेंगे कि किसानों को उठ जाना चाहिए, आप ये कहेंगे आंदोलन खत्म होना चाहिए। मुझे नहीं लगता है, अगर आप कहेंगे तो बहुत अच्छी चीज है सर, मैं स्वागत करूंगा आपका। ऐसा है, आप कह दें कि आंदोलन खत्म होना चाहिए, इस देश का जसकरण जी, किसान इस देश का जो एक नागरिक है, किसान इस देश का अन्नदाता है, किसान को अपनी मांग रखने का अधिकार है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी उस मांग में शामिल, मैं भी संयुक्त किसान मोर्चे का इस बात के लिए समर्थन करता हूं कि हमें अगर लोकतंत्र में, अगर हमें संविधान ने यह अधिकार दिया है प्रदर्शन करने का, तो हमें प्रदर्शन करना चाहिए। मैं बात शुरू से करता हूं, मुझे आपत्ति है गौरव भाटिया जी की उस बात से, जब युद्धवीर जी का आपने स्टेटमेंट लिया तो उन्होंने कहा एक वायरस ही दूसरे वायरस को काट सकता है। गौरव जी, ये बिल्कुल भी शोभा ना देने वाला आपका एक स्टेटमेंट है, मैं चाहूंगा कि आप इस स्टेटमेंट को जो है वापस लें, आपको ये सोच समझ कर बोलना चाहिए। दूसरी बात, अभी ये कह रहे थे कि किसान अपनी बात ना रखे, किसान जो है बिना शर्त के, नरेंद्र तोमर जी ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा बिना शर्त के जो है हमारे पास आए, तो मैं अमन आपसे सवाल है और गौरव भाटिया जी से सवाल है और सवाल है इस सरकार से कि क्या सरकार ने यह शर्त नहीं रख दी कि आप जो है ये यस या नो वाला जो बात जो है वो छोड़ के आए, ये क्या शर्त नहीं है, इसे आप क्या शर्त नहीं समझते। देखिए ऐसा है कि तो आपके हिसाब से जो वापसी की मांग जायज है, अमन जब तक कानून वापसी नहीं तब तक आंदोलन वापसी नहीं, आपके हिसाब से मांग जायज है, मतलब देश की संसद कानून बनाए, अब छोड़िए सांसदों की जरूरत नहीं, अब तो सड़क से कानून बनने चाहिए, आप ये कह रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जब सड़कें खामोश हो जाती हैं तो संसद जो है निरंकुश हो जाता है। अमन आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको तो ये भली बात ही पता होगा, आपने तो अपना सारा जर्नलिज्म का समय इन्हीं सड़कों के ऊपर गुजारा होगा और बहुत सारे प्रदर्शन देखे होंगे। लेकिन जो बात, जो सबसे मुद्दे की बात है, मुद्दे की बात जसकरण जी, ये अन्ना आंदोलन के समय भी सवाल उठा था। अमन जसकरण जी बात वो नहीं है, आप ये चीज सोचिए जसकरण जी, एक मिनट जसकरण जी, आप आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखूंगा, आंदोलन होना चाहिए, लेकिन सर देश के लोगों ने, जनता ने सांसदों को चुनकर संसद में भेजा, संसद ने संवैधानिक तरीके से
एक बिल बनाया, कानून पास कराया। कुछ लोग अगर आंदोलन इस तरह से होगा, कई लोग होंगे इसके समर्थन में भी होंगे, अगर ये तरीका संवैधानिक है तो वो लोग जो इसके पक्ष में जो घरों में बैठे हैं वो गलत हैं क्या? अब मतलब फिर कानून जो है संसद नहीं, फिर तो सड़क पे बनना चाहिए, फिर तो बनाना ही नहीं चाहिए। ये बोलिए आप जस्ट करें जिसके बाद में सिरसा जी और गौरव आरू। अभी आपने एक बात की, अभी आपने एक बात की अमन, कि ये संवैधानिक तरीके से, मैं आप इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि राज्यसभा में किस तरीके से ये कानून पास किया गया। अगर आप उसको संवैधानिक मानते हैं अमन, तो मैं आपको प्रणाम करता हूं। अगर आप उसको भी अगर आप मानते हैं कि वो संवैधानिक है, और दूसरी बात, अगर आप इसको ये कहते हैं कि ये आंदोलन जो है ये नहीं, तो क्या राज्यसभा से पास तो नहीं हुआ? आपको पता है क्या राज्यसभा से क्या? बताइए ना सर, मेरी अगर जानकारी का अभाव है तो प्लीज मेरे को बताइए ना, बताइए ना, बताइए, आप बताइए क्या गलत था। सारे लोग इस बात की समर्थन करेंगे, नहीं मुझे किस तरीके से, मुझे नहीं पता, आप मुझे प्लीज बताइए ना, किस तरीके से बताइए ना राज्यसभा में पास हुआ। और दूसरी बात, कांग्रेस के कैसे, क्या संवैधानिक, क्या संवैधानिक बताइए। आज वहां पे श्री राहुल गांधी की अध्यक्षता में सारे कांग्रेस के राज्यसभा के और लोकसभा के सांसद वहां इकट्ठे होके उन्होंने किसानों के और संयुक्त मोर्चे की इस मांग के पक्ष में जो है वहां पे अपना प्रदर्शन किया है। देखिए कम से कम 70 करोड़ रुपये, गौरव जी 70 करोड़। ये बिल कैसे असंवैधानिक है, मुझे जिस तरह आप ये समझा दीजिए, मैं सिरसा जी के पास और गौरव भाटिया के पास चला जाऊंगा, मुझे बता दीजिए राज्यसभा से पास ये बिल कैसे असंवैधानिक है, कैसे? अमन जिन लोगों के लिए ये बिल बनाया गया है, जब उन लोगों को ये बिल चाहिए ही नहीं, तो फिर आप जबरदस्ती जब उनके ऊपर थोप रहे हो, तो फिर ये असंवैधानिक ही हुआ ना। आप इसको समझिए, अगर आपको कुछ नहीं चाहिए और सर यहाँ अगर हजार है तो मैं नहीं, आपको देखिए ऐसा है अमन, ये कानून जो है जसकरण जी, ये सिर्फ पंजाब के किसानों के लिए नहीं है, ये पूरे देश के किसानों के लिए है, दक्षिण के भी किसान है, पूरे देश के किसान है। आप मुझे कह दीजिए कि कोई किसान इसके समर्थन में नहीं है, कहां पूरे बीच में नहीं बोलेगा। रुक जाइए कश्मीर चौधरी, जसकरण जी ने एक सवाल उठाया है, गौरव भाटिया उसका जवाब देंगे, फिर सिरसा जी मैं आपके पास आऊंगा। कोई बीच में नहीं बोलेगा, ऑडियो बंद रहेगा, जब एक बोलेगा तो एक ही आवाज जाएगी। गौरव भाटिया आप बोलिए, फिर सिरसा जी मैं आपके पास आऊंगा। अमन जी, मैं जसकरण जी की बात का उत्तर भी दूंगा और एक सवाल से अंत करूंगा। मेरी इतनी विनती है, आप जसकरण जी के पास वापस जाइएगा तुरंत और वो सवाल का उत्तर लीजिएगा। पहली बात, ये कहते हैं कानून कैसे पारित हुआ, इनको इसलिए असंवैधानिक लगता है अमन जी, क्योंकि जब इन तीनों बिलों पे चर्चा हुई तो राहुल गांधी जी संसद के पटल पर थे ही नहीं, वो विदेश में थे, तब तो उन्होंने चर्चा में भाग नहीं लिया, इसलिए कांग्रेस पार्टी के लिए तो ये असंवैधानिक है, क्योंकि राहुल गांधी थे नहीं पार्लियामेंट में। दूसरी बात, सिरसा जी ने कहा अगर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है तो फिर दिक्कत क्या है। सिरसा जी, मैं आपको बताता हूं, अगर रोक भी लग जाती है लेकिन वो संवैधानिक है या नहीं, ये अंतरिम फैसला नहीं है, ये फाइनल फैसला आता है, सुनवाई अभी बाकी है, और जब रोक लगी है तो प्रदर्शन का बल्कि कोई औचित्य नहीं बनता है। तीसरी बात, मैं भी चाहता हूं जसकरण जी कि आप ये जो सेक्शन 25 है इसको वापस लीजिए पंजाब में, कैप्टन अमरिंदर या सिद्धू जी जिसकी भी अब चल रही हो उससे कहिए पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का सेक्शन 25 जो कहता है किसानों को सजा होगी वो वापस होगा। और अंत करूंगा जसकरण जी, कृपया करके तीनों कानूनों के नाम बताइए और किन प्रावधानों से आपको दिक्कत है और क्या दिक्कत है। जवाब दूं मैं जसकरण जी, फिर सिरसा जी मैं आपके पास आऊंगा। जसकरण जी, हां जी जसकरण जी, देखिए ऐसा है कि मेरे को तो इन तीनों कानूनों के नाम पता है। सौरभ सुनो मेरे भाई, सुनो शांति रखो, भाई आप भी हो, मैंने सवाल मेरी आप मैं आपको सभी का आपको जवाब दूंगा, एक एक का दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। जब आप राहुल गांधी तब संसद के पटल पे नहीं थे तो मैं आपको बता दूं कि ये देश के वही प्रधानमंत्री हैं जो कह रहे थे कि मैं एक फोन कॉल अवे हूं किसानों से, और लग ये उत्तर है राहुल गांधी विदेश इसलिए गए क्योंकि मोदी जी ने कहा कि मैं फोन कॉल दूंगा। गौरव सुन लो, सुनूंगा लेकिन अगर आप सही बात करेंगे, अवे हूं आप किसान कभी भी मेरे को फोन कर सकते हैं, और लोगों के फोन टैपिंग के ऊपर
लोगों के फोन टैपिंग के ऊपर। तो ये है मेरा उस चीज का जवाब। ये लीजिए, ये उत्तर है। भाटिया जी, नाम क्या है जी? नाम बताइए। मेरे को सभी का पता है, बताइए ना। वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का हो, सुनो, चाहे वो एसेंशियल कमोडिटी हो, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो, आप किसी भी कानून के ऊपर मेरे साथ बात कर सकते हैं। तीन कानूनों के नाम नहीं पता है जी, और चर्चा करना चाहते हैं। प्रावधान तक तो जा ही नहीं सकते। सेक्शन 25 सुन तो लीजिए। सेक्शन 25 वाली जो आप बात कर रहे हो, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पंजाब मेरी जानकारी के लिए मंडी है। हटा दीजिए आप हमारा मंडीकरण सिस्टम। हमारा मंडीकरण सिस्टम गौरव भाटिया सबसे बढ़िया है। हमारा गौरव और हमारी सरकार बनेगी, हम हटाएंगे। आपकी कहां सरकार बनेगी? सपनों में मत रहिए, खाली तलाव मत फैलाइए, चिल्ली वाले काम मत कीजिए। पंजाब में लोग, पंजाब की जनता आपके लोगों को पकड़ पकड़ कर दौड़ा दौड़ा कर जो है आपकी सरकार बना रही है। इनको और दौड़ा दौड़ा कर सरकार बना रही है, दौड़ा कर सरकार बना रही है। और आपसे अनुरोध है कि अगर आप किसानों का ऋण माफ करेंगे, करा क्या? मेरे सवालों का उत्तर नहीं है इनके पास, बेचारे भाग रहे हैं। राजस्थान के किसान 8 में 71,000 करोड़ का ऋण देश के किसानों का माफ यूपीए 1 ने किया था, ये मत भूलिए। अच्छा, गौरव भाटिया जी, तब आप समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। गौरव भाटिया, तब आप समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे। एक दूसरे को नीचा दिखाने से कुछ नहीं होगा सर, यहाँ किसानों की बात करने आए, इसलिए जंतर मंतर। सिरसा जी, आपके पास आ रहा हूँ। मनजिंदर सिंह सिरसा, रुक जाइए जसकरण जी, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑडियो बंद। मनजिंदर सिंह सिरसा, क्या अकाली की भी ये मांग है कि तीनों कानूनों को रद्द करना चाहिए? तीनों कानून रद्द होने चाहिए। अकाली भी इस मांग के साथ है, उससे कम में कुछ भी नहीं। अमन जी, हम तो किसानों की मांग के साथ हैं। किसानों की ये मांग है कि तीनों कानून रद्द होने चाहिए। एक मैं आपको, अमन जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको भी समझनी चाहिए, मेरे भाई गौरव भाटिया जी को भी, जसकर सबको एक बात हमें समझनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं? देश हित की, स्टेट हित की बात करने के लिए हैं। अब अगर मान लीजिए एक स्टेट के अंदर लोगों का ये व्यू है कि ये काम गलत है, और पॉलिटिकल पार्टी उसका साथ क्यों ना दें? और अगर नहीं दें तो फिर ऑपोजिशन में उन पॉलिटिकल पार्टीज का रहने का फायदा क्या है? आपने पूछा कि कानून क्या संसद में बनेंगे, सड़क पर बनेंगे? नहीं, कानून हमेशा संसद में ही बनेंगे, और संसद में ही वो खत्म किए जाएंगे, रद्द किए जाएंगे, क्योंकि संसद के अंदर वो भी सांसद हैं जो सत्ता पक्ष के हैं, वो भी सांसद हैं विपक्ष के हैं। जब विपक्ष के सांसद की बात सुनी नहीं जा रही, सरकार अहंकार में आ गई, तो लोग सड़कों पे आ गए। और सड़कों पे लोग पहली बार तो आए नहीं क्या देश और दुनिया में? बाकी जगह पे लोग सड़कों पे नहीं आए हैं, और अपनी बात को मनाए हैं। अमन भाई, मेरी बात पूरी करिए। अमन जी मेरी बात, अमन जी मेरी बात, एक बात खत्म होने वाली है। आप ही बोलिएगा, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। सिरसा जी, आप ही बोलिएगा, मैं बीच में इसलिए कभी नहीं टोका हूँ, आप ही बोलिएगा। सिरसा जी, बस मैं अपनी जानकारी के लिए, मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि तीनों कानून क्या रद्द होने चाहिए। आपने बोला हाँ, हम किसानों की मांग के साथ हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बिल को लेकर जो कंसल्टेशन कमेटी थी, उसमें आप लोग भी थे, तब आप सरकार का हिस्सा थे। नहीं थे, और बिल जब बन रहा था, जब पेश होना था, तब तक आप सरकार का हिस्सा थे। बिल्कुल, बिल को लेकर जो कंसल्टेशन कमेटी थी, उसमें सरकार के थे। नाम बता दो ऑर्डिनेंस का भी विरोध नहीं था, तब तक आप लोग सरकार में थे। अभी ये जिम्मेवारी जी, सर, मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ, मैं आपके टीवी चैनल पर ही, आप मुझे बता दें किस कंसल्टेंट कमेटी के अंदर हम गए थे, कौन से तरीके को गए थे, आप नाम बता दें। मैं बताता हूँ सिरसा जी, सुन तो लीजिए, ऑर्डिनेंस आया था, दोनों मेरे को बताने दीजिए ना, आपने मेरे से पूछा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो तथ्यों के साथ पूछ रहा हूँ, दूसरा जवाब भी दे रहा हूँ ना। कैबिनेट अप्रूवल हुआ, ऑर्डिनेंस आया, तब तक आप लोग गवर्नमेंट में थे। मैं यही तो जवाब दे रहा हूँ, बोलने दिया ना अगला सवाल भी। दो ही तो सवाल थे आपके, पहला ये था कि कंसल्टेंट कमेटी में नहीं थे। दूसरा आपका सवाल ये था, मैं दूसरे सवाल का भी आपको जवाब देता हूँ, क्योंकि सदारनी हरसिमरत कौर बादल ने जो ओथ ले रखी है मिनिस्ट्री की, मैं आपको केवल इतनी बात कह सकता हूँ, आप वो पेपर जनता कर दीजिए जिसके अंदर हरसिमरत कौर बादल के साइन हो इन कानूनों को पास करने के वक्त, जब ये कमेटी की हुई थी, कमेटी की मीटिंग, आप उसको जनता कर दीजिए अगर कर सकते हैं तो, हम भी मान लेंगे कि जनता को। तीसरी बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कैबिनेट अप्रूवल नहीं था तो आपने कैबिनेट में विरोध क्यों नहीं किया था इसका? सर, आप कैबिनेट का पार्ट किया था, बिल्कुल विरोध किया है, हरसिमरत जी ने विरोध किया है, राजनाथ जी को भी कहा है, उसी कमेटी के अंदर जब ये मीटिंग हो रही थी।
अब मेरे को मेरी बात तो कर लेने दीजिए सिरसा जी, गलत सवाल भी पूछ लिया सिरसा जी, पूरा बोलिए उसके बाद गौरव आप बोलिएगा। सिरसा जी पूरा बोल ले, सिरसा जी को पूरा बोल ले दीजिए। सिरसा जी बोलिए, कंप्लीट बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, बोलिए पहले, आप बोलिए। गौरव जी, ये बात देश के प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में भी लाई गई और उसके चलते जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं ये बकायदा चंडीगढ़ में आए, चंडीगढ़ में हरसिमरत कौर बादल इनको लेके गई, वहां जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि हम MSP को कानून बनाएंगे। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उठा लें चंडीगढ़ के अंदर, जो आपके मंत्री जी ने और कृषि मंत्री जी ने तोमर सामने जाके की इसी मसले को लेके, क्योंकि मसला बना हुआ था। अब बिना उस कंसल्टेंट्स के, बिना MSP के लाए, जिस दिन ये कानून लाया गया, अब मैं बात तो पूरी कर लेने दो ना, सुन तो लो, जब ये कानून लाया गया हमने विरोध किया, विरोध के अंदर मंत्री पद भी छोड़ दिया और पार्टनरशिप भी छोड़ दी और अलायंस भी छोड़ दिया। आप मुझे बता दीजिए कौन सी इससे पहले ऐसी पार्टी हुई है जिसने अपना अलायंस तोड़ दिया हो, इसमें मुझे लाभ क्या है? अरे भाई, मैं एक चुना हुआ नुमाइंदा होने के बावजूद हमारी पार्टी छोड़कर जा रही है, उस मंत्री पद को छोड़कर जा रही है, फिर भी आप हमें दोषी कराना चाहते हैं, ठहरा दें। लेकिन लोगों के लिए तो दोषी हो जाएंगे ना आपके बोलने से, कम से कम ये बोलेंगे ना जिसने ऐसे रिजाइन किया, हम आपकी सरकार भी रिजाइन कर दे ऐसे ही, वो भी इसको लेकर रिजाइन कर दे। आप सुनिए कितना अच्छा लगे, सुनिए मैं आपको बताता हूँ। मनिंदर जी, पहले तो तथ्यों पे आप गलत हैं। कैबिनेट अप्रूवल हुआ, कैबिनेट का पार्ट थी, और ये 6 जून के आसपास की बात है जब अध्यादेश आया। एक मिनट, आप मेरी भी बात, आप बिल्कुल गुस्सा नहीं होंगे, देखिए हम नाराज नहीं होंगे एक दूसरे से, हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। इतनी दूरियां अभी भी नहीं आई, बहुत दशकों का साथ है हमारा, इतनी दूरियां थोड़ी ना आ गई कि आप मेरी एक लाइन पे उखड़ जाएंगे। पहली बात, कैबिनेट से अप्रूवल हुआ, हरसिमरत जी कैबिनेट का पार्ट, आपकी बात मानते हैं, आपने कहा कि वहां पे हस्ताक्षर नहीं है, आप कह रहे हैं। प्रकाश सिंह बादल ने समर्थन में बयान क्यों दिया, क्यों हरसिमरत कौर जी के मैं वीडियो दिखा दूं, वो समझा रही है तीनों कानूनों से लाभ क्या है, उसका तो कोई हस्ताक्षर से लेना देना नहीं है। और आपने सेप्टेम्बर के हानि भी समझाई ना, कहा हम अलग रास्ते जाएंगे, भी समझाई ना भाई, प्लीज प्लीज भाई, हानि भी तो समझाई थी ना भाटिया जी, जब आदमी अभी आप मुझे ज्ञान दे रहे थे, मैंने बड़े भाई की बात सुनी, मैंने कहा ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ, आप बार बार बीच में बोल रहे हैं, आप अभी भी बोलना चाहते हैं बोल लीजिए, लेकिन मैं एक दो बातें रख दूँ अहम है। तो मैं केवल इतना कहूंगा, हरसिमरत जी भी जानती हैं, प्रकाश सिंह बादल जी तो श्रद्धे हैं, हमारे लिए बहुत सम्मानित हैं, वो भी जानते हैं तीनों कानूनों किसान के हित में है। और जो आंदोलन के नाम पे महिलाओं का दुराचार हो रहा है, जिस तरह से नारे लगाए गए, और आप बताइए ऐसी शक्तियां भी है जो देश को कमजोर करना चाहती हैं, आपसे मैं कहता हूं, आप बोलिए ना, वो गलत है, आप कहिए, जैसे भिंडरावाला की सोच है वो गलत है, आप बोल पाएंगे आज टीवी पे कि भिंडरावाला की सोच गलत थी? आप नहीं बोलेंगे। और उससे लड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? वो हमारी है इंद्रजीत जी, हम तो लड़ते रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। संसद में आया था कानून, लाइए इतनी सीटें की बदल पाइए। नरेंद्र मोदी जी ने तो ठानी है कि किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, उनके आत्मसम्मान के लिए कार्य करेंगे और कभी किसी दबाव में नहीं आएंगे, ये मैं जरूर कह सकता हूं। यही सीटों का अहंकार ही तो है भाटिया जी, बोलिए आप सरसा जी, आप बोलिए उसके बाद जसकरण जी और भिंडरावाला को बोलिए, ये सीटों के भिंडरावाला के बारे में दो शब्द बोलिए, निंदा कर दीजिए, ये सारा मसला खड़ा कर दिया ना। हाँ, मैं आज उसी पार्टी का हूं जिस भिंडरावाले से आपको आई थी, आप कहिए गलत है, आप बोल दीजिए 30 साल क्यों रहे, आप क्यों 30 साल रहे मेरे साथ, आपको अगर इतनी तकलीफ थी तो मेरे साथ क्यों रहे, आपके साथ नहीं था, क्यों 30 साल तक रहे, अकाली के साथ थी, हाँ भाजपा अकाली के साथ, मैं आपके यहाँ थोड़ी रह रहा, मैं आपके घर का रिप्रेजेंट ही कर रहा हूँ भाटिया जी, मैं आपके अकाली दल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, नहीं तो मैं भी भाजपा को कर रहा हूँ, लेकिन प्रकाश सिंह बादल जी का सम्मान हम तब भी करते थे, अब भी करते हैं। आपको तो इतना ज्ञान होना चाहिए था, वकील हैं, जब आप कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं तो मी करके रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट में, आपको तो ज्ञान ही ध्यान नहीं आता है, मैं तो समझता कि आप ऐसी चीज को ध्यान रखते हैं। प्रकाश सिंह बादल जी मेरे भाई हो, क्यों तारीफ कर रहे थे तीनों कानूनों की, मेरी आइडियोलॉजी वही थी ना मेरी, आपको मैं पहले जवाब देता हूँ, आप भाग जाते हो, मैंने आपसे सवाल, मैं 30 साल तक किसी आइडिया पहली मानने को तैयार है तो दूसरी क्यों नहीं बदल रहे भाटिया जी, मेरा आपसे निम्र निवेदन है, आज भी आप प्रकाश सिंह बादल जी की बात, हम तो बातचीत कर रहे हैं, कौन सा किसान से बातचीत करने का टाइम दे रहे हैं, आप कौन सा टाइम दे रहे हैं, आप टाइम दुराचार हुआ वो ठीक था, प्रदर्शन के नाम पे तिरंगे का अपमान हुआ वो ठीक था क्या,
बताइए आप जिंदर सिंह सिरसा जी सवाल मैंने आपसे पूछा था ना, कर सकते आपको नहीं याद है गौरव के साथ खड़े हैं क्या हुआ था आपसे जरूरी नहीं है सिरसा जी भाटिया जी मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा कुछ किया हमने तो नहीं जाने दिए थे सिरसा जी इसी डिबेट पे रहूंगा जो मैंने आपसे सवाल पूछा था ऐसे तो नहीं कही है सिरसा जी जो नहीं नहीं सिरसा जी मैं ऑर्डिनेंस आया था ना वो जून में आया था और आप लोग एनडीए से अलग कब हुए थे मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऑर्डिनेंस जून में आया था और आप लोग एनडीए से अलग कब हुए थे जब ऑर्डिनेंस के बाद सरकार ने हमें ये बात चार महीने बाद ऑर्डिनेंस आने के चार महीने बाद आप अलग हुए थे बस मैं आपको ये याद दिला रहा था क्योंकि जब कानून बना दिया मैं नहीं आप याद मत दिलाएं मैं आपको याद दिलाऊं ऑर्डिनेंस जब लाया तो ऑर्डिनेंस आया आप लोग एनडीए का पार्ट थे चार महीने बाद जून में आया था ऑर्डिनेंस आप लोग सितंबर में अलग हुए थे सितंबर अंत में तो बाद में भी रहना चाहते थे अगर हमारी बातें मान ली गई होती तो हम तो बाद में भी एनडीए के पार्ट रहना चाहते थे जब एनडीए ने हमारी बात नहीं मानी कानून बनाते वक्त हमने उनको ऑर्डिनेंस से प्रॉब्लम नहीं थी मैंडेटरी होनी चाहिए जब सरकार ने हमारी नहीं मानी थी तो ऑर्डिनेंस तो जब आया तभी तो अमेंडमेंट मांगी अगर ऑर्डिनेंस आई ना तो ऑर्डिनेंस से प्रॉब्लम नहीं थी ऑर्डिनेंस में तो कमियां पता चली ऑर्डिनेंस से तो पता चला इसमें ऑर्डिनेंस से प्रॉब्लम नहीं थी क्या तो मंत्री जी वहां चंडीगढ़ क्यों गए आश्वासन देने के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री चंडीगढ़ आश्वासन देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गए कि हम इस कानून में बदलाव करेंगे तो फिर जब नहीं बदलाव किया तो हमने साथ छोड़ दिया तो क्या हम अपने पंजाब के लोगों की बात ना सुने अमन जी आप क्या कहना चाहते हैं कि पंजाब के लोग जब बात कम छोड़ने के आंदोलन झूठ बोल के खड़ा किया और ज्यादा बढ़ा के ज्यादा खरीद की मंडियों को 1,00,000 करोड़ रुपया दे के और मजबूती बनाया जा रहा है जमीन छीनने का झूठ बोला गया कहीं जमीन को पूरी तरह इन कानूनों में प्रोटेक्ट किया गया है तीन बातों को जो कहा गया वो किसानों को झूठ बोल के बरगला के सब किया गया और चौथी बात सुन लीजिए ये सच्चाई है कि हरसिमरत कौर बादल जी जब मंत्रिमंडल में थी उन्होंने खुद ये कहा कि ये तीनों कानून जो अध्यादेश लाए गए हैं ये किसानों के हित में है सिरसा जी हमने बात की है इसलिए हम आपसे कह रहे हैं आप इस बात को देखिए आज तीनों बातें झूठ साबित हो रही हैं अब बातचीत करके समाधान निकालने का रास्ता जो है उसको क्यों नहीं अपनाना किसका दबाव है कौन सी इंटरनेशनल साजिश देश के खिलाफ है 14,30,00,000 जोत है 70,00,000 किसान है उनका भी देख लीजिए जिनका शोषण किया मंडी के बिचौलियों ने और इन कानूनों से बाजार खुला है उनका सरसों का भाव मिला है उनको गुड़ का भाव मिला है उनके अपराध क्या है उनको समर्थन कर रहे हैं आज देश का वो किसान जिसका लूटा गया बिचौलियों के द्वारा आज वो इन कानूनों के साथ अमन जी सारे दर्शकों के लिए अगर खरीदा जाता है उत्पादन से भी 20% ज्यादा खरीदा जा रहा था धान तो पंजाब की स्थिति थी बिहार और पूरी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई से खरीद के वहाँ सप्लाई किया जाता कृष्ण जी ये सुन लीजिए ऐसा है कि ये सिरसा जी और भाटिया जी जब बात कर रहे थे हाँ जी जब सिरसा जी और भाटिया जी जब बात कर रहे थे तो ये एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ना तो ये पहले अलग थे ना ये आज अलग थे ये कुछ समय के लिए हो सकता है लोगों को दिखाने के लिए अलग हुए हूं क्योंकि इस बात के साथ मैं सहमत हूं भाटिया जी की पार्टी ने तो सरासर किसानों का जो है अधिकारों का हनन करने का काम किया कहीं ना कहीं अकाली दल का भी बहुत बड़ा रोल रहा प्रकाश सिंह बादल सुखबीर सिंह बादल हरसिमरत कौर बादल जी लगातार शर्म आनी चाहिए आपको ये इलेक्ट्रॉनिक आज भी कानून है और जब ये चर्चा चल रही है और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आकर ये बात कहते रहे इन बिलों का समर्थन करते रहे थे अंत में जब लोगों का दबाव पड़ा तो जाकर भाटी जी एक आखिरी कमेंट आपका भाटी जी मुझे वाइंड अप करना है मगर ये तस्वीरें दिखाते हुए अमन जी वाइंड अप करना जब ये कानून कांग्रेस ला रही थी सिरसा जी तो अमन जी ये डिबेट तो आज राजनीतिक हो गई पूरी की पूरी कांग्रेस आज तो ये डिबेट पूरी राजनीतिक हो गई और ये बड़े भाई हमारे भाटिया जी शुरू में ही किसानों को ये वायरस बोल रहे हैं वाइंड अप करना है मुझे वाइंड अप करना है शुक्रिया भाटी जी शुक्रिया सिरसा जी शुक्रिया कृष्णवीर चौधरी शुक्रिया गौरव भाटी आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया बताते हुए देखिए अब तंबू उखड़ गया आज के दिन का
पीछे किसान संसद, संयुक्त किसान मोर्चा, तंबू उखड़ गया पहला दिन। अब आने वाले 19 दिन इसी तरह से जो 200 किसान हैं वो यहाँ आएंगे और 19 दिन इसी तरह से ये सुरक्षा के आप इंतज़ाम देखिए, यहाँ पर देखिए आप ज़बरदस्त यहाँ पर सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए थे। दिल्ली पुलिस और फोर्सेस को यहाँ पर तैनात किया गया था, जिस वजह से कोई बुरी खबर नहीं आई, लेकिन आने वाले 19 दिन अलर्ट रहना होगा, जो अनुभव रहा है 26 जनवरी के बाद। जंतर मंतर से ताल ठोके में अभी इतने। App Store, download it now.